हेलो स्टूडेंट्स, जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनके एग्जाम ओवर हो चुके हैं, कॉमर्स वालों के एक दो एग्जाम बाकी हैं, टेंथ का भी एक एग्जाम बाकी है, और ऐसे में बहुत सारे बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं, और अब उनको ये डर लग रहा है कि उनकी वो परसेंटेज नहीं आ पाएगी जो वो उम्मीद कर रहे थे। क्लास 12th PCM के जो बच्चे हैं जो सोच रहे थे कि मैं ड्रॉप लूंगा, तो उनको भी ये डर लग रहा है कि अगर मेरे 75% मार्क्स ही नहीं आए तो मेरे ड्रॉप लेने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि JEE करने के लिए आपको 75% मार्क्स लाना ही लाना है। तो इसमें आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, या फिर आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम आपका इतना ख़राब हो गया है कि अब आपको ये भी यकीन नहीं है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा, तो उसके लिए आपके क्या ऑप्शंस हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो अगर आपके एग्ज़ाम में लग रहा है कि 75% आप क्रैक नहीं कर पाओगे, तो आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दे सकते हो, या जिनको लग रहा है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में क्लियर नहीं कर पाएंगे तो एक सब्जेक्ट में, अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो एक सब्जेक्ट में आप अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे करके वो क्लियर कर सकते हो। और 75% वाली क्राइटेरिया के लिए वैसे तो एक ही सब्जेक्ट में आपको मौका मिलता है अगर आप इस साल एग्ज़ाम देंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर अगर आप एग्ज़ाम दोगे तो आप ऑल सब्जेक्ट में भी इम्प्रूवमेंट फॉर्म फिल कर सकते हो, ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो ड्रॉप लेंगे, जो अपना JEE के प्रिपरेशन करेंगे, बाकी बच्चों के लिए ये उतना एप्लीकेबल होता नहीं है। और पहली बात तो जो बच्चे बहुत डर रहे हैं कि भाई मेरा तो एग्ज़ाम बहुत ख़राब है, तो आप ये यकीन करिए कि CBSE में 10% बच्चे फेल होते हैं, और वो जो बिल्कुल ही कुछ करके नहीं आते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर बच्चे पास होते हैं। आप लोग लास्ट ईयर का भी रिजल्ट देख लीजिए, 90% के करीब रहा था, 91-92% भी रहा है, तो सिर्फ 7-8% बच्चे फेल होते हैं वो जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। अदरवाइज़ मार्किंग इस तरह से होती है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, और अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हैं तो आप इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भी भर सकते हैं। ये सारे काम करके डेफिनेटली आप लोग अपना ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि करियर ख़राब हो गया, आप लोग अपने करियर को सेव कर सकते हो अभी से मेहनत करके। कुछ चीज़ें बोर्ड की तरफ से थी, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से होंगी, क्योंकि देखो आप लोग के साथ में हुआ क्या है कि 10th के एग्ज़ाम आपने दिए नहीं, 11th में भी कई स्कूलों में टर्म वाइज सिस्टम रहा कि टर्म 1 में MCQ जाएंगे, टर्म 2 में, और फिर 12th के एग्ज़ाम भी जल्दी हुए हैं। तो इन सब रीजंस को देखते हुए कि मार्किंग भी ठीक होने वाली है, और बाकी इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नहीं है, जब भी आएगी मैं आपको तुरंत बताऊँगा, लेकिन आप ज़्यादा चिंता मत करिए, बस रिलैक्स रहिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा, और मैं आप लोगों को रेगुलरली अपडेट देता रहूँगा, आपको सही बात बताता रहूँगा, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।